हाँ बेटे, देखो ऐसा है, क्लास 12 का जो पेपर होना है उसका मैं कुछ सिंपल पेपर सीबीएसई के भी कुछ खुद बना करके डालूँगा, तो आप लोगों को करना है। देखिए इसमें ऐसा है, इस हिसाब से एक तो पहली बात है, पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 35 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए में सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स, और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं। सेक्शन बी में 4 to 11, 4 to 11 मतलब एक तरह से 8 क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी में, ठीक है। और सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन होगा, जिसको पहले वैल्यू बेस्ड बोलते थे, पहले आता था पेपर में, हम इसको केस बेस्ड बोलेंगे। मतलब वो उसमें आपको थ्री लिखी रहेगी और उसी में से आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, पर वो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगाओगे, अगर कोई रिएक्शन वाली हो तो रिएक्शन लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमें करना है, और ये तो पता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, चॉइस जो होगा वो उसमें इंटरनल होगा, कितना लिखना है क्या करना है आपको उस हिसाब से देखना है। हाँ बेटे जल्दी ज्वाइन कर भाई तू भी, हाँ ठीक है, यस हाँ हाँ जल्दी, फास्ट फास्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद अब जो है इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए आप भाई, पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। कोई दो करना, मैं तीनों डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब जैसे क्या इसमें देखो, इंटरनल चॉइस दी गई है कि तीन हैं, इन तीन में से आपको सिर्फ दो करना है। पहला क्या है, पी के, पी के फर्स्ट है पी के। देखो पी के क्या होता है भाई, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के ए, एंड पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी, एसिडिटी। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पी के क्या उतना ही कम होगा। तो क्या दिया गया है, एक दिया गया बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, ध्यान दो, दिस इज बेंजोइक एसिड। दूसरा क्या बेटे, फिनॉल है, ये फिनॉल है। थर्ड आपका पिक्रिक एसिड, क्या होता है पिक्रिक एसिड भाई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा क्या है, ये है पिक्रिक एसिड। और एक है आपका सैलिसिलिक एसिड, देखो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोन एज सैलिसिलिक एसिड। देखो जैसे इस हिसाब से मालूम, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप्स, देखिए हम ले कंपाउंड ए, ये हो गया क्या बी, ये हो गया सी, पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो। देखो इस टाइप से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पी के क्या होगा, सबसे कम होगा। तो दिस इज मोस्ट एसिडिक, यानी कि सी पार्ट सबसे कम उसका पी के है। सबसे कम एसिडिक कौन सा आपका, बी है, बी यहाँ लेके चलोगे फिनॉल। अब इन दोनों में देखोगे तो बेंजोइक एसिड आपका आ जाएगा कहाँ पर, ए पर, इधर आएगा थर्ड पर, और यह आएगा आपका डी, आ गया यहाँ पर, ये सेकंड पर। देखो ये तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट देखो भाई, पूछा गया क्या, यहाँ पूछा गया बी पार्ट में, बी पार्ट में पूछा गया है एसिटाल्डिहाइड क्या होता है भाई। देखो एसिटाल्डिहाइड ये है CH3C(OH), दिस इज एसिटाल्डिहाइड। एसीटोन क्या, यहाँ पर दिस एसीटोन CH3C(OH)। फिर क्या आपका मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, देखो ये मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है, ध्यान दो, यहाँ पर CH3C(OH), दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन हम लिखेंगे यहाँ पर, सी टाइप से लिख दो, यहाँ पर इसको देखो इस टाइप से यहाँ पर लिख दोगे ए बी और ए सी, किस में रन करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2S। तो देखो इसके अराउंड जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो लीस्ट रिएक्टिव विल बी सी, देन बी, और फास्टेस्ट, फास्ट एक्टिव इज ए, एज मोस्ट एक्टिव। क्यों, यहाँ देखो हिंड्रेंस कम है, यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस ज़्यादा है, और यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा बल्ब सरदार बैठा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप क्लियर है। तो ये हो गया आपका, उस हिसाब से देखोगे इसमें। देखो नेक्स्ट, अब इसका
सी पार्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट सी पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट लिखिए। इथेनॉल क्या भाई, CH3CH2OH इथेनॉल हो गया। इथेनोइक एसिड क्या बच्चों, CH3COOH, और बेंजोइक एसिड क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। देखिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से दो पार्ट करना है इंटरनल चॉइस में, लेकिन हम आपको तीनों बता दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखो यहाँ पर क्या भाई, हम इसको लिख लेंगे उसी टाइप से, मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बाकी एच बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एसिड के अंदर क्या होता है, एच बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका फिर बी का, और सबसे कम किसका, ए का। हालांकि देखो एल्कोहल एंड एसिड बोथ फॉर्म एच बॉन्डिंग, बट एसिड फॉर्म एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और उसमें बेंजोइक एसिड का क्या है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा, फिर भी होगा, फिर किसका होगा, ए होगा। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर टू पर। देखिए क्वेश्चन नंबर टू पर आइए, ध्यान दो बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी इज डाइल्यूटेड, वाटर ऐड किया गया, लैम्डा एम सी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स, डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, ये 1.5 टाइम बढ़ रहा है, एंड दैट ऑफ ए इंक्रीजेज 25 टाइम्स, किस में ज़्यादा बढ़ रहा है, ए में ज़्यादा बढ़ रहा है। फिच ऑफ द टू इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दो, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली इंटू इट्स आयन, ऑन डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ आयंस, ओनली इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बट वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इंटू इट्स आयन, ऑन डायलूशन नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस बोथ इंक्रीजेस, दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली। तो अगर हम ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं तो कुछ टाइप से जो आपको बताया गया होगा, अंडर रूट सी वर्सेस लैम्डा एम इनफाइनाइट पर अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ दो टाइप का आता है। देखिए एक ग्राफ आप कैसे आएगा, एक ग्राफ ऐसे आता है देखो इस टाइप से, और एक ग्राफ आपका आता है इस हिसाब से, यहाँ पर देखो कैसे आता है, ये ऐसे आता है सिंपली। तो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक के लिए क्या, जिसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, देखो तो वीक वाला कौन सा, ये ग्राफ किसके लिए होगा, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, बी इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, ग्राफ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर अब आपका आएगा थ्री, ध्यान देना। देखो गिव रीजन टू सपोर्ट आंसर, गिव रीजन टू सपोर्ट आंसर, यहाँ पर क्या हुई, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दो, एल्डोल कंडेंसेशन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, वो क्या करेगा, अल्फा एच का, अल्फा एच क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे देखिए मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर ये एच है, ये क्या है CH2 है, ये क्या है सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये यहाँ से अल्फा एच निकलेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इसके बाद हम इसको ऐसे सकते हैं कि दिस CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच का जो एनायन फॉर्म हुआ इसमें कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन इसके अंदर हो रहा है, देखो चार्ज सिंगल डबल इसमें कंजुगेशन होता है, सो इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, दैट्स वाई अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज यूज फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि वो अल्फा हमारा एसिडिक होता है, वो जल्दी निकल जाएगा बेस के साथ, बेस इसको ट्रैप कर लेगा, तो उससे जो एनायन फॉर्म होगा दैट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। क्लियर है भैया, देखो ध्यान से समझो इसको, यही इतना लिखना है, ठीक है, कि कार्बन आयन बाय रिमूवल ऑफ अल्फा एच विच इज एसिडिक इन नेचर इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, दैट्स वाई अल्फा कार्बन का जो एच होता है अल्फा एच इज यूज इन एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप, इसमें पूछा गया बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये
एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, देखो CCH3 पेंटेन टू ओन है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या है CH OH CH2, दिस इज थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। ध्यान दो भाई, ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, दिस इज काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन। ध्यान दो, वैसे टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड, इट नॉट गिवन बाय कीटोन, लेकिन एक्सेप्शनली ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, इसको ध्यान देना लो कि इस टाइप के कीटोन भी आपका टॉलेंस टेस्ट देते हैं, तो दिस कंपाउंड विल गिव टॉलेंस टेस्ट। क्लियर है, नेक्स्ट आइए इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ से जो बेटे ऐसा ना ध्यान देना है, सेक्शन बी जो है यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहाँ पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हम एक एक कर देना इसके अंदर, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या भाई, क्या पूछा गया है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन ये है भाई, ये क्लोरोबेंजीन है, हम ऐसे करते हैं क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर लोन पेयर हैं तो यहाँ भी कंजुगेशन हो सकता है, तो क्लोरोबेंजीन का जो सीएल होता है, सी सीएल बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, जिसको हम अंडर जनरल कंडीशन हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट्स वाई क्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इन रिएक्शन ऑफ अमोनोलिसिस, हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, बिकॉज सी सी एल बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो भाई सेकेंड देखिए, इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड देखो, सेकेंड मीन्स का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या भाई, बी पार्ट में पूछा गया है एन मिथाइल एन इथाइल इथेनेमाइन, देखो ये है CH3 CH2 N, ये क्या है CH2 CH3, दिस इज एन इथाइल इथेनेमाइन, बॉयल सेट 329.3 केल्विन, लेकिन जो कह रहे हैं बट ब्यूटेनेमाइन, ये क्या है ब्यूटेनेमाइन, देखो भाई CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या है CH2 और NH2 NH2, देखो यहाँ पर ये N H और ये क्या है H है, देखिए ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, दोनों आपस में क्या है बोथ आर आइसोमर्स बट ब्यूटेनेमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एन इथाइल इथेनेमाइन से ज़्यादा क्यों है। देखो बेटे ऐसा कि यहाँ पर सिर्फ एक H है जो H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, देयर इज ओनली वन H विच इन्वॉल्व इन H बॉन्डिंग, देखो सिर्फ ये H है जो H बॉन्डिंग में क्या होगा इन्वॉल्व होगा, ध्यान दो इस टाइप से H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा ये वाला H केवल ही, लेकिन यहाँ पर दो H हैं देखो इस टाइप से जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे H बॉन्डिंग में, ये सेकेंडरी एमाइन है क्या 2 डिग्री एमाइन है और ये क्या आपका दिस इज 1 डिग्री एमाइन, वी कैन से दैट ब्यूटेन एमाइन इज एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटर मालिक्यूलर एच बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू एन इथाइल इथेनेमाइन विच इज 2 डिग्री और आपका 1 डिग्री है ही, तो दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे, अब आइए यहाँ पर इसका सी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट देखो, यहाँ पर एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, एनिलीन है ध्यान दो, एनिलीन है ये, दिस इज एनिलीन, इसका एसाइलेशन का मतलब क्या है, या तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन या किसी एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ध्यान दो CH3COCl के साथ रिएक्शन, तो बेटे ऐसा है जब हम कराएंगे इसका एसाइलेशन तो यहाँ से एक H और एक Cl क्या रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा HCl, बन जाएगा क्या पर देखो इस टाइप से NHCOCH3, इसका नाम होता है एसीटेनिलाइड या कह सकते हो एन फिनाइल इथेनेमाइड, ये फॉर्म होता है एन फिनाइल इथेन एमाइड, ये फॉर्म होगा
एन फिनाइलिथेन एमाइड फॉर्म होगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या रिमूव हो रहा है, HCl, जो कि क्या होता है, एसिड होता है। तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक स्ट्रांग बेस PYRIDINE यूज करते हैं। तो सिंपल क्या, पिरिडीन इज स्ट्रांग बेस विच इज यूज टू न्यूट्रलाइज HCl रिलीज्ड ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर है? अब देखो बेटे ध्यान दो, नेक्स्ट पोर्शन क्या भाई, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, अब इसमें इसका आर पार्ट दे रखे हैं। आर पार्ट में क्या हमें करना है, कन्वर्जन करना है। देखो फिनॉल क्या करना है, फिनॉल देखिए, फिनॉल क्या भाई, ये फिनॉल है, देखो दिस इज फिनॉल। हमें क्या करना है, इसका ए पार्ट फिनॉल को चेंज करना है, किसमें, एन फिनाइल इथेनेमाइड में। देखो दिस इज एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड, हमें इसको इसमें चेंज करना है, एन फिनाइल इथेनेमाइड में, एन फिनाइल इथेनेमाइड में चेंज करना है। दिस इज एन फिनाइल इथेनेमाइड या एसीटेनिलाइड, इसमें हमें कन्वर्ट करना है किसको, फिनॉल को, देखिए इसमें कन्वर्ट करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस OH को तो हटाना है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजीन बन गया ये, क्या बन गया, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन से देखो हम दो रिएक्शन एक ही में करवा दे रहे हैं, बेंजीन से मैं एनिलीन बना रहा हूँ डायरेक्ट। देखो कैसे, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, फर्स्ट रिएक्शन किससे कराओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 आप कराओगे नाइट्रेशन, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और फिर उसी पर उस नाइट्रोबेंजीन पर रिएक्शन किससे कराओगे, SN HCl और 6S का क्या करा दोगे, रिडक्शन, बन जाएगा आपका एनिलीन। अब इसके बाद इस एनिलीन का हम करा देंगे एसाइलेशन, जो भी हमने पढ़ा इसके पहले किया था, किसके प्रेजेंस में, CH3CO Cl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पिरिडीन, क्या बन जाएगा आपका, एसीटेनिलाइट। ये कन्वर्जन हो गया, ये फर्स्ट कन्वर्जन है। क्लियर है? ध्यान दो एक बार, फिनॉल है, उस पर हम ऐड किए जिंक डस्ट, बन गया बेंजीन, बेंजीन पर पहले लाया गया नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो बेंजीन, उस सेकेंड पार्ट में नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, NH2 के अंदर, बन गया आपका एनिलीन, एनिलीन का कराया गया एसीटाइलेशन, बन गया आपका एसीटेनिलाइट। क्लियर है बेटे? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट इन बी पार्ट, क्लोरोइथेन CH3CH2Cl टू मीथेनेमाइन, मीथेनेमाइन क्या हमारा CH3NH2। बेटे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कन्वर्जन है जी, मतलब हमें एक कार्बन घटाना है भाई। एक कार्बन घटाने के लिए केमिस्ट्री में दो तीन रिएक्शंस हैं, एक तो आपका हाफमैन ब्रोमामाइड है और दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो और दोनों में हमें एसिड चाहिए, सिंपल, एक कार्बन घटाना है तो या तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और या तो क्या चाहिए हमें, डीकार्बोक्सिलेशन। हमें दोनों में एसिड रहेगा तो हम आगे सोच पाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती तभी जलेगी जब एसिड रहेगा तब, नहीं समझे मेरी बात, ठीक है? तो देखो यहाँ पर इसको किस में चेंज करो भाई, एसिड में, एसिड में कैसे चेंज होगा ये, पहले आप यहाँ पे क्या डाल दो, एक्वस KOH, क्या कर देगा भाई ये कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में CH3CH2OH। अब इसका करा दो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बन जाएगा CH3COOH। अब इस पर किस रिएक्शन करा दीजिए आप, एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया, तो यहाँ बन जाएगा एमाइड, बन जाएगा एक्वस NH3 के साथ, क्या बनाएगा ये, एक्वस NH3 के साथ बना देगा ये एमाइड, एक्वस NH3 बन जाएगा यहाँ पर CH3CONH2। देखो बेटे बन गया। अब यहाँ से हम यूज करेंगे हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके लिए जो रिएजेंट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, NaOBr, क्या करेगा वो, इसको हटा देगा, सिंपल इसका वही काम होता है। हम NaOBr यूज कर सकते हैं या इसके यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, और इसके यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं क्या, Br2-4KOH, ये भी यूज कर सकते हो Br2-4KOH, ये वी कैन यूज। तो भाई देखो फिर एक बार देख लो, ये क्लोरोइथेन है, इससे इथेनॉल बना दिया गया, इससे बनाया गया इथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, हमने यूज किया एक्वस अमोनिया, क्या बन गया एमाइड, एमाइड का कराया गया हाफ मैन डिग्रेडेशन या हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बन गया आपका
डिजायर प्रोडक्ट। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपका भाई प्रोपेन नाइट्राइल। व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल भाई, प्रोपेन नाइट्राइल क्या है पता है आपको? देखो इधर ये CH3 CH2, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल भैया। कुछ नहीं, आपको करना है कन्वर्जन, स्ट्रक्चर बढ़िया से ड्रा करो पहले। अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये क्या प्रोपेन नाइट्राइल, हमें क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। देखो इथेनॉल बनाना है, ये CH3 CH2 OH। क्या करना है, क्या लॉजिक है? एक कार्बन घटाना है, इसमें तीन कार्बन है, वहाँ पे एक कार्बन है। आ जाइए फिर वही कहानी हाफ मैन ब्रोमाइड पर। यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसका क्या करोगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, PARTIAL, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा ये, ध्यान दो, CH3 CH2 CO NH2, इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब क्या करोगे भाई, फिर वही यूज कर दीजिए यहाँ पर हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या यूज करोगे, Br2-4KOH। क्या यूज करोगे, Br2-4KOH, ये यूज करोगे आप। इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो क्या, NaOBr। तो ये पोर्शन देखो बताया गया था, ये पोर्शन हट जाएगा, क्लियर है? क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2, और ये। और फिर देखो इसके बाद हम रिएक्शन किससे करा देंगे इसके ऊपर, वी कैन यूज डाई एजोटाइजेशन की। अगर एलिफैटिक एमाइन है तो एल्कोहल देगा, और अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा। सिंपल ही तो हो गया कन्वर्जन आपका, क्या, फ्रॉम प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। ठीक है बेटे, क्लियर? हमारे देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देना। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है ये कंपाउंड है, दो कंपाउंड दिया गया, पूछा गया कि ये कंपाउंड ग्रीन कलर का है बल्कि दूसरा क्या है, ब्लू कलर का है। देखो इसमें सिंपल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसमें क्या करना होता है कि हमें उसमें एटम का आयन का लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन पहले, उसका फिर उस कॉम्प्लेक्स का लिखोगे। उस कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रांग फील्ड एगेंस है तो पेयरिंग होगा, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगा। देखिए जैसे मान लो निकल का हम शुरू करते हैं, निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, निकल का होता है एटॉमिक नंबर 18, कैसे लिखोगे? आपको पेपर में एटॉमिक नंबर गिवन होगा, देखो 3D 4S 4P, ध्यान दो, हम 28 ऐसे लिखते हैं 28। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, ये 4S हो गया और ये आपका 4P है, ये देखिए 4P है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो, और यहाँ पर क्या, ये 4S2 है। अब ये तो निकल का ग्राउंड स्टेट हो गया, हमें निकल का लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें निकल किस में, प्लस टू में है, प्लस टू कैसे भाई, X+0=2, प्लस टू में है। तो प्लस टू का मतलब क्या होता है, प्लस टू का मतलब है हमें दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस टू मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। देखो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे भाई, देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल से, हमें दो सब सेल से दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने दो यहाँ से निकाल दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स का लिखोगे, देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है Ni, फिर H2O होल 6 है ये, Ni H2O होल 6 पर क्या है, प्लस 2 है ये, क्लियर है? अब इसका मतलब हमें यहाँ से देखो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल, लेकिन H2O बेचारा क्या है, H2O बेचारा वीक फील्ड लिगेंड है, वो क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं कराएगा, 1 2 3 4 5 6, देखो ये वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो एक H2O आपका देखो यहाँ पर, दूसरा H2O यहाँ पर, थर्ड H2O यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, और फिर आगे तो पूरी ऑर्बिटल की खेती खाली है, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6। और फिर बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं की मिक्सिंग करा देते हैं, देखो स्टेप से देखो ऐसे करके सिंपल। और इसमें कितने अनपेयर आ गए, इसमें आ गए 2 अनपेयर, इसमें कितने अनपेयर आ गए, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट इज ब्लू इन कलर। लेकिन जब अब कहानी दूसरी होती है, जब हम लिखेंगे इसका दूसरे कॉम्प्लेक्स का, तो हमें देखो ऐसा ना कि ये यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ये पोर्शन हमें, ये पोर्शन यहाँ से हटाना है, दूसरे वाले में भी वही रहेगा, बस सिर्फ ये चेंज जाएगा केवल। देखिए यहाँ से, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर,
दूसरे का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है, देखो Ni और फिर H2O फोर टाइम En, En पर क्या है प्लस टू है। तो यहाँ पर देखो हम उसी टाइप से En हमारा क्या होता है, En इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स जो कि पेयरिंग करा देता है, क्या करता है पेयरिंग करा देगा यहाँ पर। तो जो दो अनपेयर थे, जो दो क्या थे अनपेयर थे, देखो ये दो हमारे जो अनपेयर थे ये भी इसमें पेयरिंग में आ जाएंगे, दे आर इन्वॉल्व इन पेयरिंग। और फिर हम इसके आगे कितना आप खाली कराएंगे यहाँ पर En एक और 1H2O, 2H2O, 3H2O, फिर क्या है यहाँ पर 4H2O, फिर इसको मिक्सिंग करा देंगे सिंपल स्टेप से। तो इसका मतलब क्या कि दोनों में अनपेयर टैंक का नंबर क्या डिफरेंस है, डिफरेंट नंबर है, दैट्स व्हाई उनका कलर क्या है दोनों में डिफरेंट है। क्लियर है बेटे। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या भाई, बी पार्ट है, देखो बी पार्ट, ये बी पार्ट हमें क्या पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ट्रिस इथेन 1,2-diamine-cobalt-3-sulfate। देखो ध्यान से, पहली बात हम ऐसे लिखें क्वारेंसेंस पेयर, ये है सल्फेट आपका कहाँ पर है बेटे, सल्फेट बाहर है, देखो ये सल्फेट है बाहर है। ट्रिस का मतलब क्या हो गया, ई एन थ्राइस, ठीक है कोबाल्ट, ठीक है। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, देखो कोबाल्ट इसमें किस में है, कोबाल्ट थ्री में है, यानी कि इस पूरे क्वारेंसेंस पेयर पे कितना चार्ज आ गया, 3+0 दैट इज 3, इस पर कितना चार्ज आता है -2 होता है, तो हमें चार्ज बैलेंस करना होता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर (2)2, यहाँ क्या लिखोगे 3। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, CO En थ्राइस ट्वाइस SO4। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स गिवन, ठीक है। तो ये करोगे आप इसको, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट बेटे है इसका आर पार्ट, देखो भी मैं करा दे रहा हूँ, इन क्वारेंसेंस एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज, देखो ए पार्ट क्या पूछा गया अभी, इसका क्या है T2G3 और Eg1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। देखो कैसे पेयरिंग नहीं हो रही है भाई, ये 1, 2, 3, अगर पेयरिंग होती तो हम इसको 1 को इधर लेके आते, यानी कि इधर आ गया ये, इसका मतलब इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या फॉर्म करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, इतना बताना था आपको, क्यों इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब देखिए इसका बी पार्ट, ड्रा द क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द एबव कंपाउंड या एबव कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें कैसे लिखोगे, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग डायग्राम, देखिए स्टेप्स हो गया ये, ये इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 1, 2, 3, 4, 5, कितने ट्रांस हैं 4 हैं, देखो 1, 2, 3, 4, जब इसका लिखोगे एक्साइटेड स्टेट में तो ऐसे बनता है, देखो स्टेप से यह आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ये T2G है 1, 2, 3, और ये क्या पर ये Eg है, ये दिस इज T2G और ये क्या है Eg है, यहाँ कितने ट्रांस हैं 1, 2, 3, यहाँ कितने ट्रांस हैं 1, ध्यान दो क्लियर है। और ये इनके बीच की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये यहाँ से हम अगर कंपेयर करते हैं तो इट इज रेज्ड बाई कितना 3/5 ऑफ डेल्टा ओ, एट इज लोअर्ड बाई 2/5 ऑफ डेल्टा ओ। तो आपको ये ड्रा करना था, इस पर आपको दो नंबर मिलता सिंपल स्टेप से, इतना करोगे तो दो नंबर मिल जाएगा, सिंपल क्लियर है। अब देखिए बेटे आगे चलो, क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर पूछा गया है ए पार्ट क्या है, टाइटेनियम क्या क्या होता है, अभी टाइटेनियम हम कैसे थे कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3D 4S 4P, स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22, क्या लिखते हैं यहाँ पर दिस इज 22, ठीक है।
अब टाइटेनियम 4, देखो रोमन फॉर्म में 4 लिखा गया है, 4 मीन्स क्या, हमें इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, आर्गन बन जाएगा केवल ये, और ये क्या होगा 3d0 एंड 4s0। तो टाइटेनियम 4 इज मोस्ट स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। अगर टाइटेनियम 2 बनाओगे तो 2 अनपेयर्ड होगा, इनके साथ टाइटेनियम 3 एक अनपेयर्ड होगा, बट टाइटेनियम 4 में कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, टाइटेनियम 4 है स्टेबल इनर्ट गैस आर्गन लाइक कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई टाइटेनियम 4 इज मोस्ट स्टेबल देन टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। क्लियर बेटे, इसको हटाते हैं फिर। अब इसका देखो बी पार्ट, ध्यान देना, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन सेम चार्ज इज गिवन सीरीज सोन प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस। बेटे ऐसा है, देखो ध्यान से, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन टू डी सबसेल कंसिक्वेंट सब सक्सेसिवली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज डी सबसेल हैज लेस शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू एस एन पी, दैट्स वाई रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना लिखना आपको, दो दो तीन बार सुन लेना इसको, ठीक है। सी पार्ट देखो, जिंक इज ए कंपेरेटिवली सॉफ्ट मेटल, मेटल आयरन क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड मेटल। देखो आयरन और क्रोमियम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स वाई उस किस में क्या होता है, इनथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई इन केस ऑफ क्रोमियम एंड आयरन। और वो जिंक के किस में क्या होता है, सारे सारे होते हैं पेड़ होते हैं, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग का क्या होता है, थोड़ा कम होता है, दैट्स वाई जिंक आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके बाद एन एल्केन ए मार्कर फॉर्मूला C5H10। देखो भाई C5H10 का मतलब क्या, ये या तो एल्कीन होगा और यह क्या होगा, साइक्लो एल्कीन होगा ऑन ओजोनलिसिस, यानी कि अगर इसका हम क्या कराया जाए, इसका क्या होने जा रहा है, इसका होने जा रहा है ओजोनलिसिस, तो ये तो है नहीं, सिर्फ ये होगा, ठीक है। गिव्स टू कंपाउंड इस एल्कीन का C5H10 का कराते हैं हम क्या, ओजोनलिसिस। C5H10 का क्या कराएंगे, ओजोनलिसिस, कराने पर मिलेगा दो कंपाउंड बी एंड सी। कंपाउंड बी किस, पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है। गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड आल्सो फॉर्म हाइड्रो फॉर्म टेस्ट, तो इसके अंदर एक ये भी ग्रुप होगा, ये ध्यान दीजिए, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर देखो कंपाउंड सी डजंट गिव फेलिंग टेस्ट, कंपाउंड सी फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कंपाउंड सी नहीं दे रहा, लेकिन हाइड्रो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इस तरह क्या होगा, सीओ और CH3 होना चाहिए। अब देखो भाई अगर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है तो कीटोन होगा, तो सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, मीन्स हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनोन CH3 CO CH3, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इथेनॉल CH3 CO और ये H बन गया ये। अब इसका मतलब देखो हम साफ साफ लिखते हैं इसके अंदर फिर से, जो हमारा कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड बी क्या बन जाएगा CH3 CHO, कंपाउंड सी क्या बन जाएगा CH3 CO CH3। अब इस एल्डिहाइड से, ध्यान दो इस एल्डिहाइड और इस कीटोन के ओजोनलिसिस से जो कंपाउंड बनता है वो हमारा एल्कीन है, देखो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये निकाल देंगे ओ, तो जो कंपाउंड ए बनेगा, कंपाउंड ए हमारा क्या बन जाएगा, उस केस में कंपाउंड ए बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड सी CH3 और ये CH3, कंपाउंड ए इज दिस, कंपाउंड इज, क्लियर है भाई। देखो ये कंपाउंड ए बन गया हमारा ये, ठीक है, हो गया कि नहीं, C5H10 3, 3, 6, 3, 9, 10। तो कंपाउंड ए के ओजोनलिसिस से बनेगा कंपाउंड बी एंड सी, हम लिखेंगे O3 एंड ZN-H2O। कंपाउंड ए के ओजोनलिसिस से क्या बन रहा है, बी एंड सी,
बी आपका क्या दे रहा है, फेरिंग शोषण टेस्ट देगा, आर्डोफॉर्म वो भी लिखवा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर बी गिव्स फेरिंग शोषण टेस्ट एंड आर्डोफॉर्म टेस्ट। बी देखो भी क्या है, ये बी है आपका CH3 सी डबल बॉन्ड OH, फेरिंग शोषण टेस्ट क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 Cu2+ + 5 OH-, क्या बनेगा यहाँ पर भी, यहाँ बनेगा आपका CH3COO- + Cu2, रेड कलर कंपाउंड बनेगा ये। यही आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या लिखते हैं हम, I2+ NaOH, क्या दे देगा ये, CHI3 का येलो कलर कंपाउंड फॉर्म करेगा ये। क्लियर है, ये हो गया कंपाउंड बी जो कि इथेनॉल है। और अगर हम सी लिखेंगे यहाँ पर, सी का देखो सिर्फ सी क्या दे रहा है, सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देखो यहाँ पर सी हम लिखते हैं, सी क्या भाई, CH3CO CH3, यहाँ फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट 2 moles ऑफ Cu2+ + 5 OH- नो रिएक्शन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जब यहाँ पर लिखोगे आप, इसमें लिखोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट I2+ NaOH, क्या बन जाएगा, CH3+CH3COO Na+NaI+H2O, दिस इज येलो कलर कंपाउंड। ये क्या आपका, दिस इज येलो कलर कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का कंपाउंड होता है आयोडोफॉर्म। क्लियर है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, देखिए ये पूछा गया है कि ये कोई सपोज दैट आपका वो है, क्या कहते हैं, कोई प्रोसेस दिया गया है, ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, देखो ये प्रोसेस कौन सा है पूछा गया, विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। हम ए क्या लिखेंगे, दिस इज इलेक्ट्रो डायलिसिस है, दिस इज इलेक्ट्रो डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है भाई, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलाइड्स बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन्होंने डायलिसिस। लेकिन यहाँ डायलिसिस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रो डायलिसिस। बी पार्ट देखो भाई, बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस, क्या भाई, टू प्योरीफाई कोलाइड्स, ये क्या है, टू प्योरीफाई कोलाइड्स। अब सी पार्ट क्या है, देखिए, कैन द सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यस हो सकता है, सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, वो प्रोसेस स्लो होगा। क्लियर है, तो सेम प्रोसेस अकर्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्रोसेस प्रोसेस हो तो सकता है लेकिन प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस स्लो होगा, यस बट स्लो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है।